सब्सक्राइब करें श्रवण लेक्चरर चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन विंदु संरचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके कार्बन तथा उनके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट से है और आपका ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस पार्ट की वीडियो नहीं देखे हों तो मैंने पढ़ा दिया है, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है कार्बन एंड उनके यौगिक, उसमें देख सकते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन विंदु संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन विंदु संरचना C2H6, ठीक है। IUPAC नाम अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं एथेन। और ये जो आपका समूह है वो कौन सा समूह है? एल्केन, ठीक है। और आपका दूसरा हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, हम लोग दूसरा जो आपका है उसे देखने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, CO2 का जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा हमारा है C2H2, इसे हम लोग कहते हैं एथाइन, ठीक है, एथाइन। तो अब हम लोग इसे देखते हैं, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोग जब वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाके देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं 20 तक तत्वों का, जो 20 तक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोगों को करना है तो अगर आप लोग इसे इतना याद रखिए 2882, अगर आप लोग इतना याद रखते हैं तो इतने में आपका 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं दोस्तों क्लोरीन आपका है 17 नंबर परमाणु क्रमांक है इनका। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे होगा दोस्तों? 2 8। अब आप इसे काउंट कर लीजिए कितना हो गया दोस्तों, यहाँ आपका 2 and 8 कितना हो गया? 10। अब हमारा बचा केवल 7, तो हम 7 लिख देंगे, बट यहाँ 8 है तो कोई इफेक्ट नहीं है, 8 से कम हो तो कोई इफेक्ट नहीं है। आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 17 हो गया। अब इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, ठीक है। तो इसी को याद रखना, जो वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन का करते हैं, हाइड्रोजन को तो आप लोगों को पता ही होगा एक ही होता है, तो इसे हम लोग केवल एक ही लिख देंगे, ठीक है। अगला हम ऑक्सीजन का देखते हैं, जो जो हमारा है ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 and 6 हो गया 8, देखिए 2 and 6 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं सोडियम का, सोडियम का अगर हम लोग करना चाहते हैं तो आप लोग समझ लीजिए सोडियम का हम लोग कैसे करते हैं, 2 and 8 and 1, अगर हम इसे काउंट करें तो आपका 11 हो जाता है, 2 and 8 8 1, 2 and 8 हो गया 10 और प्लस 1 11, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ये मैंने बताया है केवल 20 तक के तत्वों के लिए, ठीक है, ये केवल 20 तक के तत्वों के लिए है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने वाले थे, तो पहला हमारा है C2H6 यानी कि एथेन का, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन विंदु संरचना हम लोग देखेंगे, ठीक है, और किसका देखेंगे? पहले नंबर का। और पहले नंबर पे हमारा क्या है? C2H6 जिसे हम लोग कहते हैं एथेन। और किस समूह से है ये दोस्तों, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ये किस समूह से है? एल्केन, क्योंकि इसके अंत में क्या लगता है? एन, ठीक है, इसे मैंने पढ़ा दिया है। और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगर इसका वीडियो नहीं देखे हो तो उसी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कैसे बनाएं।
तो वेरी इजी है, आप लोग ध्यान से देखिए। केवल बस देखिए, आपको जो कम है, सी कम है, तो इसे आप लोग बीच में लिखिए। यहाँ पहले लिखते हैं सी एंड सी, ये चलिए मैंने सी एंड सी लिख दिया, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सिक्स, तो यहाँ हम लोग एच लिख देते हैं एंड एच लिख देते हैं, और यहाँ भी हम लोग एच लिख देते हैं, और यहाँ भी हमें एच लिखना है, और इधर एच एंड इधर एच, ये मैंने इसे सजा दिया। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं, ठीक है। कार्बन, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिक्स होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो टू एंड फोर। अब इसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतना ही रखते हैं, तो आप यहाँ रखिए कितना, वन एंड वन इधर रखिए, फिर यहाँ आप लोग रख दीजिए दो एंड थ्री एंड फोर, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इनके दोस्तों कितने होते हैं, इनके एक ही होते हैं हाइड्रोजन के, तो ए वन वन ऐसे आप लोग सजा दीजिए, ठीक है। एक एक ही रखिए क्योंकि एक ही होता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को बना देना है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो अपना दो इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, जबकि अन्य सारे जो तत्व हैं वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अष्टक, ठीक है। तो वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, बट इसका जो है ये इसका आठ होना चाहिए, कार्बन का आठ होना चाहिए, इसका दो। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो इसका दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इसे भी हम मिला देते हैं, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसे ऐसे ही सभी को मिला दीजिए, और हाइड्रोजन का जो है दो इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी हमें बहुत दो और करने हैं, ठीक है। तो इन सभी का दो पूरा हो गया, अब हमें इसका आठ पूरा करना है। तो इन देखिए टू 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 सभी का पूरा हो गया, अभी हम इनका लेंगे, एक एक साझेदारी किए हैं तो एक एक ले लेंगे, तो इनका भी हमें लेना है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और इनका भी हमें लेना है, ठीक है, ये ठीक है एक। अब इनका देखिए एट पूरा हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब ये भी इनका भी कार्बन का आठ पूरा करना है, तो ये भी ऐसे ही साझेदारी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दिया है तो एक लेंगे। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, इसे भी इन्होंने देखिए, यहाँ इसको एक दिया था तो इसका अष्टक पूरा हुआ था, अब इसको एक दिया तो इसका अष्टक पूरा गया। यह है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप लोग इसका वो बनाना चाहते हैं बंध, तो आप लोग बहुत ईजी है, ऐसे बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ सी लगाइए सिंगल बंध, ठीक है। यहाँ भी आप लोग एच लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए सी एंड एच, ठीक है, एंड एच, ये आपका एक एक बंध से इसे दर्शाना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा क्या था दोस्तों, CO2। अब हम लोग CO2 का बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका C कम है तो इसे आप लोग बीच में रख दीजिए, और वो को जो आप लोग है उसे बगल बगल रख दीजिए। अब इसका तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, ऑक्सीजन का भी किए थे बट कर लेते हैं। यहाँ टू एंड सिक्स हो जाएगा, और कार्बन का कितना होता है सिक्स, तो टू एंड फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम फोर रख देते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ इनका दो एंड दो, और इनका भी दो एंड दो। अभी इनका चार है तो इधर हम लोग सजा, अभी देखिए इनका हमें चार और सजाना है, तो दो एंड दो, यहाँ दो एंड दो, और इसे भी ऐसे रख देते हैं। अब दोस्तों इसका फोर ही है तो वन टू वन टू, ठीक है, ऐसे कर देना, सजा देना है। फिर आगे क्या करना है कि इन सभी का अष्टक पूरा होना चाहिए। यहाँ यश तो है नहीं कि अपना दो पूरा करेगा, यहाँ यश नहीं है, तो इन सभी का अष्टक पूरा करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम दो इनका ले लें तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा ये, और अगर हम दो इनको दे दें तो इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनका भी सिक्स है और दो की कमी है, तो दो इनको दे देगा, तो इनका भी अष्टक पूरा हो गया। अब दोस्तों इन्होंने दो दिया है तो दो दो इन दोनों से ले लेंगे, तो इनका भी अष्टक आसानी से पूरा हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
ठीक है। तो इनका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। यहाँ इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है दोस्तों, एक और देख लेते हैं, C2H2। ये है आपका C2H2 और ये जो आपका है दोस्तों, इसे हम कहते हैं एथाइन, ठीक है, एथाइन। और इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है, इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, नहीं जानते हो तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखिए C को रखते हैं, C, दो C है तो हम दो C रख देते हैं, कोई वो नहीं है तो यहाँ हम दो C रख दिए। अभी हमारा दो H है, इधर हम दो H रख देते हैं, 1 and 2, ठीक है, दो H भी रख दिए। अब हम आगे देखते हैं, इनका भी हम लोग देखिए कार्बन का निकाले थे लास्ट में, कितने हमारे कार्बन थे, 4, ठीक है, और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है तो 4, तो हमें 4 यहाँ देखिए दोस्तों, इसका पहले हमें बंध बना लेते हैं। देखिए यहाँ नीचे H है एंड सी है एंड सी है एंड एच है, इनसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, 2 और इनका भी 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब इनसे देखिए 2 हो गया, अब इनके पास कितना बचा, 3, और जब इन 2 और 3 5, अब जब हम इनसे 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब तो इनका पूरा होगा स्टक, तो यहाँ ट्रिपल बंध लग जाएगा। और इनका भी इसी तरह से होगा, 1 इनसे लेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, 1 और ये 2, और जब इनसे लेंगे 3 और इनका 3 6 2 8, इनका भी स्टक पूरा हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ समझिए, ठीक है, अभी आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ आप लोग क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, ठीक है, और यहाँ आप लोग 1 and 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही होता है। अब इनका पहले हम लोग 2 कर देते हैं, 2 इनका पूरा कर देते हैं, ठीक है, और इनका भी हमारा पूरा हो गया, समझ में आया इतना। फिर हमें इनका अष्टक पूरा करना है, तो इनका 1 2 3 3 है, 1 4, अब इनको 1 दिए हैं तो लेंगे यानी कि 5, तो 5 हो गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम इस 3 को लेते हैं, यहाँ से हम 1 ले लेंगे और ठीक है, और यहाँ से हम इन 3 को ऐसे कर देंगे। अब इनके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, अब इनका भी अष्टक पूरा करना है, तो ये 3 दिए हैं तो लेंगे जरूर, और इनको भी 1 दिए हैं तो इनसे भी ले लेंगे, तो इनका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से इनका अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ लगेगा दोस्तों ट्रिपल बंध, ठीक है, ये आपका ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बंध इस तरह से लगता है, और डबल बंध इस तरह से, सिंगल बंध इस तरह से, तो इन तीनों को याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आप लोग अपने कॉपी में ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 O2 का आप लोग जाके अपने कॉपी में ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। और आप लोग CH4 का भी ज्ञात करें, जिसे हम लोग कहते हैं मेथेन, ठीक है, जैसे मैंने उसका ज्ञात किया है एथाइन, इसका सबका, वैसे इसका भी ज्ञात करना है। तो इन दोनों को आप लोग अपने कॉपी में ज्ञात कर लीजिए, सब HW कार्य समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं, और आप लोगों को किसी भी टॉपिक यानी कि पर वीडियो बनवाना है तो ज़रूर बताएं, और सारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को और सारे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो नया नया वीडियो भेजूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।